नमस्कार एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 पार्ट 2। इसके अंदर देखो इस एक्सरसाइज में आपको पता है कि वो तीन मेन आइडेंटिटीज हैं वो यूज हो रही है। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज का बेसिकली यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपको दिया हुआ है इस ईयर जो सीबीएसई ने बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन आइडेंटिटीज, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्वेश्चन पार्ट सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे इस तरह कोई भी आइडेंटिटी का यूज नहीं हो सकता, ना कोई स्क्वायर दिया हुआ है ना कोई क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर टू सेकंड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एक एलसीएम 1 प्लस साइन ए, ये हो गया कॉस ऑफ ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए 1 हो गया, कॉस इंटू कॉसेस कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस 1 टाइम हो गया 1 मल्टीप्लाई, अब ये हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा होगा बेटा तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ऑफ स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस वाले ब्रैकेट को हम इस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए आपके पास 1 है तो 1 इंटू जो भी ए बी हो गया, और नीचे आपके पास एज इट इज है 1 प्लस साइन ए और कॉस ऑफ ए, ये हो गया डिनोमिनेटर में आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज हो सकता है, क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर वन वन हो सकता है। आपने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा या ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, हम वन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को एक बार एक साथ रखती हूँ क्योंकि सारी चीजें 10 के अंदर है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, मैंने क्या किया इन दोनों स्क्वायर्स को दोनों यहाँ पे लिया, मैं आइडेंटिटी को 1 लिख सकूँ, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए और ये हो गया आपके पास कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 लग रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये हो गया 1, इस पूरे ब्रैकेट की आइडेंटिटी क्या यूज हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ऑफ ए, ये बच्चे। सो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे है आपके पास 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ऑफ ए, क्लियर। अब देखो सेम यहाँ पे वेरिएबल है 2 प्लस 2, दोनों 2 जो है दोनों तरफ आपके पास कॉमन है 10 के इधर भी और यहाँ पर भी, तो मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ 1 प्लस साइन ए और नीचे है डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए और नीचे आपके पास कॉस ए। तो देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हो गया कैंसिल, आपके पास सिर्फ कितना ज्यादा है क्या 2 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है 2 अपॉन कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो 2 एज इट इज 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेट ए, सो इट इज इक्वल टू ये हो गया आपका एलएचएस और ये हो गया आपका आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ आई हैव टेक पार्ट 4th ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 4th क्या है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर, प्रूफ करना है दोनों को इक्वल टू के दोनों को इक्वल आप देख रहे हैं आरएचएस इक्वल टू एलएचएस बना रहे हैं, कैसे करेंगे देखो उधर साइन और cos की फॉर्म में टर्म्स, यहाँ पर sec की फॉर्म में है, तो sec को जब हम sec का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो cos की फॉर्म में आ सकता है। तो हम दोनों को सेम टर्म्स में हम लेके चलते हैं, तो मैं
कन्वर्ट करती हूँ कॉस के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन sec किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो sec की जगह मैं क्या लिखूंगी, वन अपॉन कॉस, ये हो गया वन अपॉन कॉस, ठीक है। इससे डिनोमिनेटर sec a इट मींस वन अपॉन कॉस a। पहले हम इधर का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा cos a और आपके पास आ जाएगा cos a प्लस वन और नीचे आपके पास है वन अपॉन cos a, ठीक है। देन उसके पास रेसिप्रोकल करेंगे तो cos से cos कैंसिल, यहाँ पर आपके सिंपल मतलब है वन प्लस cos a, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। sec a का रेसिप्रोकल वन अपॉन cos हमने लिखा, नीचे भी कोई लिखा डिनोमिनेटर में, फिर हमने न्यूमरेटर में एलसीएम किया, एलसीएम किसका एलसीएम आएगा तो cos a आएगा, cos a आया, cos a मल्टीप्लाई बाय cos a एंड cos a मल्टीप्लाई बाय cos a वन टाइम वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन हो गया, cos a प्लस वन हो गया एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, a अपॉन b और c अपॉन d रेशियो होता है, तो c और d रेशियो जो होता है रेसिप्रोकल होता है, d अपॉन a हो जाता है, तो जब आप कैंसिल करेंगे cos a cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास से बचेगा cos a प्लस वन या फिर आप दे सकते हैं वन प्लस cos a। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, दूसरी तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर बच्चे देखें सब कुछ cos की फॉर्म में आ रहा है बट ये हमारा साइन की फॉर्म में है, तो साइन को जब मुझे cos में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं साइन स्क्वायर की जगह ले सकती हूँ, आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर की जगह प्लस cos स्क्वायर की जगह इक्वल टू वन होता है, तो वहां से मैं किसकी वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू में मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ वन माइनस cos स्क्वायर थीटा या वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, साइन की वैल्यू साइन टू ही छोड़ोगे cos वन माइनस cos स्क्वायर इधर है। यहाँ पे देखो आपके पास आइडेंटिटी लगेगी, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्क्वायर 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 यहाँ पर नहीं है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वन माइनस कॉस है। अब देखो जो आइडेंटिटी लगती है वो क्या है, ये देखो ए स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर बनी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, तो मैं इस वाले टर्म को न्यूमरेटर को इसी फॉर्म में ओपन करूंगी, तो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी एंड ए माइनस और बी और डिनोमिनेटर एज इट इज वन माइनस कॉस ऑफ ए हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो वन माइनस कॉस ऑफ ए डिनोमिनेटर में भी है और आपके न्यूमरेटर में भी है, तो आपके पास क्या आ गया फाइनली वन प्लस कॉस ए, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सेक में था, हमने कन्वर्ट किया cos के अंदर क्योंकि वहां पे जो टर्म्स है वो cos और sin की फॉर्म में है, वहां पे भी जो टर्म था sin का उसको हमने cos में कन्वर्ट कर दिया, पूरी टर्म जो आपकी cos के अंदर चलती। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।